Hi everyone, today we will discuss your chapter number 7, Journey to Jowar. Okay, firstly I will discuss to your title, your chapter name, Journey to Jowar. Yes, look, here are writer like that, Jowar. Okay, तो यहाँ आपका जो लिखा हुआ है Jowar, तो इसका अगर आप फुल जो मीनिंग बोलें तो इसका मीनिंग है जोहान्सबर्ग. ओके, तो ये जो जर्नी है वो कहाँ की है? जोहान्सबर्ग की है. आर यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ अ, यू कैन से दैट दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट, बट यू हैव टू कम्प्लीटली लाइक दैट जोहान्सबर्ग. अंडरस्टैंड? सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज. Your first exercise is comprehension. A part, mark the sentences as true T or false F. Okay, जो true है T लिखना है आपको, otherwise आपको क्या लिखना है F. First आपका Tiro is the elder brother of Naledi. जो Tiro था क्या वो Naledi का बड़ा भाई था? No, बड़ा भाई है. Yes, no. वो क्या था? उससे छोटा था, younger brother. तो नेक्स्ट आपका सेकंड, ग्रेस वॉज स्टक इनसाइड द ट्रेन एंड कुड नॉट मेक हर वे आउट. यस, इज इट इज़ अ राइट, क्योंकि जब वो ट्रेन से, जैसे भीड़ ज़्यादा हो गई थी ट्रेन में, क्राउड, तो जैसे ही लोग आए चढ़ने उतरने वाले, तो उस तरीके से जो बच्चे थे दोनों, धक्का मुक्की में वो नीचे हो गए, बट जो आंटी थी, जो ग्रेस आंट थी, वो क्या फंस गई थी वहीं ट्रेन में ही. थर्ड है आपका, अ पुलिस मैन यल्ड एट द 16-year-old बॉय. यस, ये सच बात है, क्योंकि जो पुलिस मैन थे वो किस पर चिल्लाए थे? जो 16-year का जो बॉय था उस पर चिल्लाए थे. द पुलिस टुक Naledi एंड Tiro विद देम. ये रॉन्ग है, क्योंकि जो पुलिस आई थी वो ओनली 16-year जो ओल्ड बॉय था उसको साथ लेकर गई थी. तो इट मीन्स फोर्थ क्या है आपका? फॉल्स है. फिफ्थ देखिए, Naledi एंड Tiro वेंट टू द अरेस्टेड मैंस हाउस टू गेट हिज पास. यस, दिस सेंटेंस इज़ अ राइट, क्योंकि Naledi और जो Tiro थे वो उसके घर, उसका जो पास था वो लेने के लिए गए थे. सिक्स्थ देखिए, द चिल्ड्रन नेवर मेट ग्रेस अगेन. क्या बच्चे दोबारा से कभी नहीं मिले ग्रेस अगेन से? तो ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वो मिल गए थे उससे. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं आपकी. यस, लुक योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द सेंटेंसेस एंड लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट क्लूज, रिप्लेस ईच अंडरलाइन वर्ड्स विद यस सिनोनिम वर्ड्स. देखिए यहाँ कुछ आपको अंडरलाइन वर्ड दिए गए हैं, उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एज अ चेंज करना है, उन्हीं के सिनोनिम में. यस, तो फर्स्ट आपका द गर्ल गिगल. गिगल मीन क्या होता है? मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना किसी की. तो चकल्ड मीन भी क्या होता है आपका? हंसी उड़ाना. तो CHUCKLED, चकल्ड. ओके, चकल्ड की स्पेलिंग क्या है आपकी? CHUCKLED, चकल्ड. सेकंड देखिए आपका, माया न्यू दैट द ग्लासवेयर वाज फ्रैगल. फ्रैगल मीन आप कह सकते हो नाजुक, और डेलिकेट का मीनिंग भी वही होता है, नाजुक. DELICATE. सो करेक्टली राइट कीजिए, डेलिकेट. यस, नेक्स्ट है आपका थर्ड, दिस लिक्विड इज डैश यस इनफ्लामेबल. तो इसका आएगा आपका कम्बुस टाइटल. इस तरीके से रीड करेंगे इसको, कम्बुस टाइटल, यू शुड नॉट लाइट. तो कम्बुस टाइटल का मीनिंग होगा आपका दहनशील, जो जलने योग्य हो. कम्बुस टाइटल का मतलब क्या हो गया? दहनशील. फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका, एज अंडरलाइन वर्ड देखूँ मैं, अपीज. तो अपीज का मतलब होता है खुश. यस, तो एज है, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड, खुश या सेटिस्फाई, संतुष्ट होना, दोनों क्या हैं आपके? सेम है. सेटिस्फाई, SATISFY, सेटिस्फाई.
एंड द फिफ्थ है आपका कंज्यूम्ड. कंज्यूम्ड मीन वैसे होता है खाना पीना, बट इसमें जैसे एट, एट मीन खाना. ओके, तो इसका मतलब भी क्या हो गया यहाँ, खाना. सिक्स देखते हैं हम, मर्मल. ममल का, मर्मल्ड का मतलब भी और ममल का मतलब भी सेम है, बुदबुदाना, बड़बड़ाना जिसको आप बोलते हो. तो एम यू एम बी एल ई डी, एम यू एम बी एल ई डी, मम्बल्ड सिक्स में आएगा. सेवन्थ का देखते हैं आपका डम्प या डिस्कार्डेड, मीन क्या होता है फेंक दिया. डम्प्ड मीन फेंक दिया, द ब्रोकन टॉय इन द डस्टबिन. वीर ने क्या किया कि जो टूटे हुए खिलौने थे वो डस्टबिन में फेंक दिए. तो यहाँ डम्प्ड, डी यू एम पी ई डी, डम्प्ड. डम्प्ड मीन फेंक दिया, डिस्कार्डेड मीन भी फेंक दिया. आपका लास्ट है फॉर्चून, जिसका मतलब होता है भाग्य, और लकी का मतलब भी कि भाग्य, एल यू सी के वाई. ओके, लकी. तो ये आपकी, आई थिंक मैंने जो थर्ड का है स्पेलिंग अच्छे से नहीं बोली थी, कम्ब, यस कम्ब उस टाइटल की. तो सी ओ एम बी यू एस टी आई टी एल ई, दिस एक्सरसाइज इज डन. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, लुक, फिल इन द ब्लैंक्स विद द क्लोजेस्ट एंटोनियम टू द वर्ड गिवन. अब आपको क्या राइट करने हैं, अभी तक हमने ऊपर वाली एक्सरसाइज में क्या राइट किया था, यस सिनोनियम, बट यू हैव टू राइट हियर एंटोनियम्स. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्परेट मीन, यस डिस्परेट मीन क्या होता है आपका, एज ए होपफुल. तो यहाँ इसका मतलब हो गया जिसकी आशा निराशा. ओके, और यहाँ क्या, होपफुल मीन आशा वन. तो ये आपका क्या हो गया इसका एंटोनियम्स. स्पोर्ट मीन किसी को, यस कोऑपरेट करना, सहयोग देना. अपोज क्या हो गया उसका उल्टा, ओ डबल पी ओ एस ई, यस. प्रवोक का मतलब क्या होता है, उकसाना किसी चीज़ के लिए, है ना, प्रवोक का मतलब उकसाना. अब इसका अगर एंटोनियम लें तो वह क्या हो गया, पैसिफाई, पैसिफाई. अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ, एंजाइटी, यस ये क्या है आपका, एंजाइटी मीन क्या होता है, चिंता. और इसका जो एंटोनियम क्या आ गया आपका, रिलीफ, रिलीफ, आर ई एल आई ई एफ. नेक्स्ट देखिए लोथ, लोथ मीन क्या होता है, घृणा करना. यहाँ राइट भी किया हुआ है मैंने लोथ, लोथ मीन क्या होता है, घृणा करना. और चेरिस का मतलब अच्छा लगना, पसंद करना, ये क्या है आपका, चेरिस, चेरिस मीन अच्छा लगना, यहाँ मैंने मेंशन किया है चेरिस. नेक्स्ट देखिए लास्ट आपका, यस प्राइमिटिव मीन होता है प्राचीन, और मॉडर्न मीन क्या आ गया आपका, आधुनिक, मॉडर्न मीन आधुनिक. सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. लुक, ये आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें क्या दिया हुआ है, दीज वर्ड्स वर बोरोड इनटू इंग्लिश फ्रॉम लेटिन और ग्रीक. भाई आपकी इंग्लिश से जो लेटिन और ग्रीक के कुछ वर्ड लिए गए हैं, चूज द करेक्ट प्लूरल. तो इसमें आपकी इनकी जो प्लूरल वर्ब दी गई है उनको चूज़ करना है. फर्स्ट है आपका अनालिसिस, तो सेम आज अ प्रोनंसिएशन सेम रहेगी. तो नाउ वी विल, यस टेल अबाउट योर ऑप्शंस, बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ये भी अनालिसिस है, ये अनालिसिस हो गया, तो आज अ सेम. तो इसमें आपकी बी ऑप्शन अनालिसिस इज ए एन ए एल वाई एस ई एस. ओके राइट. इसमें सेकंड कैक्टस का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, कैक्टी. एंड द थर्ड इज क्राइटेरियन, इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज राइट, क्राइटेरिया, यस क्राइटेरियन का क्राइटेरिया. अच्छा हम क्या राइट कर रहे हैं, इनकी जो प्लूरल फॉर्म है उनको राइट कर रहे हैं. अब है आपका फोर्थ डेटम, इसका क्या हो जाएगा आपका, डेटा. इसके बाद नेक्स्ट है आपका लार्वा, तो इसका बी ऑप्शन इज लाइट, राइट, यस. सिक्स में देखिए थीसिस, ए ऑप्शन इज राइट, थीसिस, टी एच ई एस आई एस का क्या होगा, टी एच ई एस ई एस. ये देखिए फंगस, सेवन्थ का क्या है, फंगस, तो इसका आंसर क्या राइट होगा, फंगी, एफ यू एन जी आई, फंगी. ये देखिए मैट्रिक्स, एट्थ नंबर पे, तो इसका आ जाएगा, यस मैट्रिक्स, एम ए टी आर आई सी ई
एस मैट्रिक्स. अब नाउ नाइन्थ देखिए आपका बैक्टीरियम, इसका आ जाएगा आपका बैक्टीरिया. एंड ये है जीनस, इसको क्या रीड करेंगे आप, जीनस, तो जीनस का आ जाएगा जेनेरा. क्या आएगा, जेनेरा, बी ऑप्शन इज राइट. एंड द इलेवंथ इज एलुमनस, यस इसका आ जाएगा एलुमनी. क्या आएगा, एलुमनी. ट्वेल्थ है आपका एक्सिस, ए ऑप्शन इज राइट. एंड 13 का ये आप रीड करोगे इसको फाइलम, क्या रीड करना है आपको, फाइलम. फाइलम का क्या आ जाएगा, फाइला, फाइलम का फाइला. और नेक्स्ट है 14th आपका स्टर्टम, इसका आ जाएगा स्टर्टा. एंड द 15 क्या है आपका, एल्गा, तो एज अ एल्गी आएगा आपकी, यस ए एल जी ए ई. और नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस, तो एज अ न्यूक्ल एन यू सी एल ई आई, ए ऑप्शन इज राइट. नाउ द टर्न इज नेक्स्ट एक्सरसाइज, यस हेयर आर सम लॉन वर्ड्स यूज कॉमनली इन इंग्लिश. भाई ये किसी से कह सकते हो आप, एज अ लॉन वर्ड है ये, जो आपके वर्ड साइड में दिया गया है 1 to 10, और ये आपके किससे हैं, इंग्लिश से हैं. और फाइंड आउट देयर मीनिंग, और इनका मीनिंग आपको सर्च करना है, और एज ए इनका जो ओरिजन आप कह सकते हो, इनका जन्म स्थल कह सकते हो, ये कहाँ से ये इनका जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ जहाँ से, यस. तो ऐसा आप क्या कह सकते हो, फर्स्ट है आपका यस फॉक्स पस, तो इसका मीनिंग होगा फर्स्टली हम लिखते हैं ब्लंडर मिस्टेक. क्या है, ब्लंडर मिस्टेक, तो ये कहाँ से लिया गया था, फ्रेंच से. ये है वन वॉवेज विशिंग अ गुड जर्नी, अच्छी जर्नी की इच्छा करना, अच्छी जर्नी की इच्छा करना, तो ये क्या है आपका, फ्रेंच. अब है आपका मोडस ऑपरेंडी, ये एक टाइप का मेथड ऑफ ऑपरेशन है, मेथड ऑफ ऑपरेशन है, ओके. मेथड ऑफ ऑपरेशन ये किससे लिया, लैटिन से, यस कार्टे ब्लांची, यस कार्टे ब्लांची. फ्री टू डू एज वन प्लेजेस, भाई किसी को खुश करने के लिए कुछ करना, ओके ये किससे है आपका, फ्रेंच से. फिफ्थ देखते हैं आपका प्रो बोनो, विदाउट फीस, बिना फीस के, क्या है ये, प्रो बोनो, यस, तो लैटिन लैंग्वेज का है. स्टेटस क्यो, द स्टेट, यस द स्टेट ऑफ अफेयर दैट एग्जिस्ट, किसका है, लैटिन का, यस ब्यक्स आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, अच्छा आर्ट्स, अच्छी कला, तो ये किसकी है, फ्रेंच की. एंड द प्राइमा फैसी अपेरेंट ऑन फर्स्ट व्यू, मतलब पहला व्यू, सबसे पहला विचार. प्राइमा डोना का मतलब लीडिंग फीमेल सिंगर, किसी फीमेल सिंगर को लीड करना, यस लैटिन का लिया है. एंड योर लास्ट इज नोवेय रिच, ये है न्यू रिच, ओके तो ये किसका है आपका, फ्रेंच का है. सो नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज, लुक योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, यस बेटा लुक अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली दिस एक्सरसाइज, बिकॉज दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इन दिस योर चैप्टर. ये एज आप व्हेन यू हैव टू कॉम्पीट एनी कॉम्पिटिशन देन यू हैव टू फेस दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. तो ये एज अ ग्रामेटिकल आपके पार्ट का है ये, जैसा कि आपने क्लोजेस सुना होगा कि यहाँ आपके जो 8 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन द, और आपको अंडरलाइन भी करना है एज ए शॉर्ट फॉर्म दी गई है कि अगर नाउन क्लॉज है तो आप एनसी लिखेंगे, अगर एडजेक्टिव क्लॉज है तो ए डी जे लिख के सी लिखना है आपको, एंड अगर एडवर्ब क्लॉज है तो आपको ए डी वी लिख के सी लिखना है क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज इस तरीके से आपको मेंशन करना है. बट फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्ड क्लॉज, भाई क्लॉज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, ओके क्या बोलते हैं हम, यस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप क्या बोलोगे, क्लॉज. अब अगर क्लोज का बोलूँ तो काफ़ी डीपली है ये एक्सरसाइज, बट मैं अनदर एक वीडियो बनाती हूँ आपकी, उसमें आप चेक कर लेना बेटा. अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा हिंट्स देके ही आपको ये समझा रही हूँ, तो आप अच्छे से समझेंगे.
बट ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी एक्सरसाइज है, इसमें देखिए आपकी सरला हैज़ नॉट एक्सरसाइज फॉर 2 वीक एज सी इज़ नॉट वेल, जिसमें बेटा टाइम मेंशन किया हो, जिसमें काम करने का कोई टाइम दिया हो, तो वहाँ आपकी क्या आएगी एडवर्ब क्लॉज। तो इसमें फर्स्ट है 2 वीक टाइम दिया गया है, तो एज सी इज़ नॉट वेल, तो आपकी ये क्या आ गई है एडवर्ब क्लॉज। सेकंड देखते हैं आपका, इसमें है आपका द पेंटिंग दैट यस राणा मेड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब जो पेंटिंग है उसकी स्पेशलिटी को यहाँ शो किया गया है। आप एवरीवन नो दिस थिंग कि जहाँ स्पेसिबिलिटी को शो किया जाता है वहाँ आपका क्या होता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है तो मींस एडजेक्टिव क्लॉज। यस नेक्स्ट है माय डॉग विल ईट वट एवर। तो जहाँ आपका वट एवर आए, हु एवर आए, और एज ए इसमें नाउन को वो किया जाए तो उसमें आपका क्या होगा नाउन क्लॉज होगा। तो यहाँ देखिए वट एवर फूड आई गिव हिम, भाई मेरे जो डॉग को मैं जो देता हूँ वही खाता है, तो यहाँ क्या आएगा आपका नाउन क्लॉज। अब फोर्थ देखिए द मैन हु इज स्टैंडिंग, तो एज अ एक उस ऐसे आदमी की द मैन हु इज स्टैंडिंग विद मुकुल इज अ डॉक्टर, तो यहाँ क्या जो आदमी खड़ा हुआ है उसकी स्पेशलिटी को शो किया गया है कि वो वहाँ खड़ा है तो वो कौन है डॉक्टर है, तो ये क्या आएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट आपका देखिए राजन हैड टू सिट इन द क्लास अंटिल, तो अंटिल किसको शो करता है एज आपके टाइम को शो करता है, और टाइम का मैंने आपको बताया था अभी, तो क्या आएगा एडवर्ब क्लॉज। सिक्स का देखिए इफ़ यू डोंट फिनिश द फूड, तो यहाँ आपका क्या आएगा एडवर्ब, क्या आएगी यहाँ भी आपकी एडवर्ब एज अ टाइम को शो करता है। अभी हु एवर और वट एवर का बताया था क्या आएगा आपका नाउन क्लॉज। एट्थ में है आपका हु हैज़ अ बैग, तो यहाँ भी कैसी गर्ल को शो किया गया है एज ए जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसकी यस स्पेशलिटी को शो करे तो हम उनको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। बट इफ़ यू वॉन्ट टू यस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक देन आई विल सेंड अनदर वीडियोज। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी यस टू एक्सरसाइज इज लेफ्ट डू फास्टली, इसको थोड़ा सा जल्दी से करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक्स एवरी वन, टू एक्सरसाइज अभी इसी का पार्ट बना के आपको सेंड करती हूँ। ओके okay?